ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्या है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल का लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सो आपको एक क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सके। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी भी ऐड करेंगे, और अच्छा रिस्पांस मिला तो हम प्राइस एक्शन भी ऐड करेंगे। तो अगर आपको कुछ जानना है, कुछ नॉलेज लेना है, तो सिंपल तरीका आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। जो हमारा निफ्टी क्लोजिंग हुआ है वो 11,950 से लेकर 12,000 के बीच में कहीं क्लोजिंग हुआ। तो हम कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं कॉल साइड देख रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप मेरे को 12,000 पे दिख रहा है। बाद में उसी स्टाइक प्राइस पे क्या है, सबसे ज़्यादा चेंज इन ओआई दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। बाद में मैं पुट साइड देखता हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप क्या है कि 11,900 पे दिख रहा है। तो सेम प्राइस पे सबसे ज़्यादा चेंज इन ओआई भी मेरे को दिख रहा है। तो क्या है कि 11,900 मेरा क्या है कि सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है कल के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ तो 11,500 पे भी मेरे को एक अच्छी खासी नियर अबाउट जो 11,900 पे, उतनी ही मेरे को क्या है कि वहाँ भी चेंज इन ओआई या ओआई दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी क्या है कि मार्केट में जो 12,000 का लेवल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू 11,900। तो ये तो हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब हम क्या है कि मार्केट का एक डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मार्केट कल कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। तो अगर मेरे को कोल्ड साइड लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। लेकिन कोल्ड साइड मेरे कोई ऐसी लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मार्केट अपसाइड जा सकते। बाद में पुट साइड आ जाते, अगर पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। तो पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट कल डाउन जा सकता है इस पॉइंट से। बाद में मैं फिर से आ जाता हूँ कॉल साइड, अगर मेरे को कॉल साइड शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट कल डाउन साइड जा सकता है। तो मेरे को कॉल साइड पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है सभी स्टॉक प्राइस पे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट कल डाउन साइड जा सकता है। फिर से हम पुट साइड आ जाते, अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो पुट साइड भी मेरे को थोड़ी दूर की प्राइस पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रहे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस है इस पॉइंट से। तो इन सिंपल हमने चार पॉइंट देखे, इसमें से एक पॉइंट में कुछ नहीं मिला, दो पॉइंट डाउन साइड के मिले, एक पॉइंट अपसाइड का मिला। तो ऑल ओवर मैं देखूं तो निफ्टी कल डाउन साइड रह सकता है। तो ये हो गया मेरा निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। इसमें मेरे को 12,000 पे रेजिस्टेंस मिला, 11,900 मेरा सपोर्ट मिला, और क्या है कि नीचे जाने का साइन दे रहा है ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। तो जो हमारा बैंक निफ्टी है वो 31,300 से लेकर 31,400 के बीच में कहीं क्लोजिंग हुआ। तो हम क्या है कि कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं कॉल साइड देख रहा हूँ तो मेरे को सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप दिख रहा है 32,000 पे। तो जो ये 32,000 है ये मेरे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। बाद में मैं पुट साइड देखता हूँ तो मेरे को सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप तो 30,000 पे ही दिख रहा है। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा दूर है तो मैं नजदीक का देखता हूँ। तो नजदीक का देखता हूँ तो हाल फिलहाल मेरे को 31,000 पे क्या है कि एक अच्छा खासा ओआई बिल्डअप दिख रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि 31,000 मेरे क्या है कि सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। बाद में हम अगर बैंक निफ्टी का मुंह जानने की कोशिश करें तो देखते हैं बैंक निफ्टी किस साइड कल जा सकता है। तो अगर मेरे को कॉल साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं सब बोल सकता हूँ कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। लेकिन कॉल साइड मेरे को कोई ऐसी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। बाद में मैं पुट साइड देखूं तो पुट साइड अगर मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट कल डाउन साइड जा सकता है। लेकिन पुट साइड भी मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। चलो देखते दूसरा पॉइंट क्या बताता है। अगर मैं दूसरे पॉइंट में देखूं, अगर मेरे को कॉल साइड शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट डाउन जाने के चांसेस है। तो देख लीजिए, आपको इधर सभी स्टॉक प्राइस पे क्या है कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखेगी तो मतलब मार्केट डाउन जाने के चांसेस है इस पॉइंट से। बाद में मैं पुट साइड देखता हूँ तो पुट साइड अगर मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो पुट साइड देख ले तो पुट साइड भी मेरे को क्या है कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो मतलब अपसाइड जाने के भी चांसेस है।
तो इन सिंपल बैंक निफ्टी मेरे को अनडिसिजनल कल लग सकता है। इन सिंपल बैंक निफ्टी में एक पक्का डिसीजन नहीं होगा निफ्टी की तरह। और वैसे देखो तो आप बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश लग रहा है निफ्टी के कंपेयर में। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर, देखते कौन से रेजिस्टेंस है, कौन से सपोर्ट है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो पहले देख लेते हैं आज का क्या परफॉर्मेंस रहा निफ्टी में। तो निफ्टी में ओपन हुआ बियरिश, बाद में थोड़ा नीचे जाके फिर से एक थोड़ा सा अपसाइड आपको ट्रेंड देखने को मिला, बाद में फिर से रिवर्स होके नीचे आया। इन सिंपल निफ्टी आज रेड में क्लोज हुआ है। और देखो मैंने कल ही बोला था निफ्टी आपको आज दोनों तरफ मुंह देखने को मिल सकता है, तो वही हुआ। पहले नीचे गया, बाद में ऊपर गया, बाद में नीचे गया। तो अभी देख लेते कल क्या हो सकता है, कल के कौन से सपोर्ट रहेंगे, कौन से रेजिस्टेंस रहेगा वो बात। अगर मैं कल की बात करूं तो मेरे को लग रहा है कि कल निफ्टी फ्लैट ओपन होगा या तो बुलिश ओपन होगा। देख लेते कल कौन सा मार्केट ओपन होता है, बाद में कुछ देखते। अगर ये क्या है कि चलो मान लेते हैं फ्लैट ओपन या बुलिश ओपन होकर ये नीचे आ गया और हमारे सपोर्ट लाइन से रिवर्स देके ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, तब हम इसमें बाय में आएंगे। जो मेरा सपोर्ट होगा वो 11,950 के आसपास है। बाद में अगर ये क्या है कि अगर ये राइजिंग सपोर्ट लाइन के आसपास से भी अगर क्या है कि 11,950 से पहले अगर ये क्या है कि राइजिंग सपोर्ट के आसपास से भी क्या है कि रिवर्सल देने का साइन दे रहा है, तब मैं इधर से भी बाइंग कर सकता हूँ। तो ये हो गई मेरी बाइंग पोजीशन कल निफ्टी में। अगर ये मैं देखो कल मार्केट ओपन होता है ग्रीन में या रेड में जो भी है, अगर मार्केट ये कल अपसाइड जाने लगे ओपन होके और ये क्या है कि हमारी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास से ये रिवर्स दिखा दे, तब मैं इसमें सेल में आ सकता हूँ। तो मेरी पहली रेजिस्टेंस लाइन होगी ये, देखो ये हमारी फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन होगी। अगर ये इस पे कहीं मेरे को रिवर्सल देख के नीचे आता है तब मैं इसमें सेलिंग में आऊंगा। बाद में अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो जो मेरा 12,000 का लेवल है वो मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अगर ये 12,000 के आसपास से रिवर्सल दे के नीचे आता है तब मैं इसमें फिर से सेलिंग में आऊंगा। और एक और है, चलो मान लेते हैं कि ये दोनों लाइन को ब्रेक करके और नीचे चला गया। देखो ये मेरी जो फॉलिंग सपोर्ट लाइन है, अगर इस पे भी कहीं क्या है कि अपसाइड जाने के सिग्नल दे रहा है तब भी मैं इसमें बाइंग आ सकता हूँ। इन सिंपल में क्या है कि कल मेरा निफ्टी में व्यू थोड़ा डाउनसाइड है, अगर ये मेरे को थोड़ा डाउनसाइड जाके एक अपसाइड रिवर्सल दिखाता है तब मैं इसमें बाइंग में आ सकता हूँ। अगर ये मॉर्निंग में ओपन होकर ऊपर चला जाता है और रेजिस्टेंस लाइन के आसपास से नीचे आता है तब मैं इसमें सेलिंग में आऊंगा। इन सिंपल ये हो गया मेरा कल मैं कहाँ बाय कर सकता हूँ, मैं कल कहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ ये सब। तो इन सिंपल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो निफ्टी में मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 12,000 होगा, मेरा दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो 12,040 होगा। बाद में मैं सपोर्ट के बारे में बात करूं तो मेरा पहला सपोर्ट होगा 11,950 होगा। अगर मैं इसके नीचे जाता हूं तो मेरा दूसरा सपोर्ट होगा ये वो लाइन होगी, ये लाइन अगर ये इसको भी नीचे चला जाता है तो दूसरा मेरा सपोर्ट होगा 11,900। लेकिन आई होप कि ये लाइन के आसपास से कुछ रिवर्सल दे। तो ये लाइन आई थिंक अप्रोक्स 11,925 के आसपास आ रही है, तो आपको देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में क्या हो रहा है वो सब। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या व्यू है, मेरा कौन से सपोर्ट है, कौन से रेजिस्टेंस है। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। तो पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, बाद में कल का क्या होगा वो देखते हैं। तो पहले जैसे ही मार्केट ओपन हुआ बियरिश में ओपन हुआ तो थोड़ा नीचे गया, नीचे जाने के बाद जो हमारा प्रीवियस डे का लो था वहां से ये रिवर्स होके ऊपर चला गया, मतलब एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। बाद में एंड ऑफ द डे फिर से नीचे आ गया। तो अब हम देखते कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए हमारा क्या है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश में मान सकता हूँ। तो इसीलिए देखो ये अगर ये कल ओपन होता है और नीचे जाके हमारा ये जो जोन है तो ये हमारा जो जोन होगा वो कौन सा होगा, तो 31,250 से लेकर 31,200 तक ये मेरा जोन रहेगा। अगर ये जोन के आसपास से रिवर्सल देके अपसाइड साइन देता है तब मैं इसमें बाइंग में आऊंगा। और देखो ये राइजिंग सपोर्ट लाइन भी इधर कहीं आ रही है जो लॉन्ग टर्म राइजिंग सपोर्ट लाइन है, तो अगर ये राइजिंग सपोर्ट लाइन के आसपास से भी कुछ दिखाता है रिवर्सल टाइप बाय के तब मैं इसमें बाइंग में आऊंगा। लेकिन अगर ये कहे कि मार्केट ओपन हुआ ग्रीन में और थोड़ा अप जला गया तो अगर ये देखो तो ये फिर से एक मेरा अपर की साइड रेजिस्टेंस जोन है। तो ये जो मेरा रेजिस्टेंस जोन है वो कौन सा है, तो 31,500 से लेकर 31,450 या 75 के आसपास ये जोन है। अगर मैं एग्जैक्टली देखूं तो 475 है ये। अगर ये जोन के आसपास ये रिवर्सल देके नीचे आता है तब मैं इसमें सेलिंग में आऊंगा। अब देख लेते कौन से होंगे रेजिस्टेंस, कौन से होंगे सपोर्ट। तो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो होगा 31,250, उसके नीचे देखूं तो मेरा 31,100 होगा।
बाद में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरा 31,500 मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा और दूसरा रेजिस्टेंस होगा 31,650। तो ये हो गया हमारा निफ्टी एंड निफ्टी बैंक में ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको क्या है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चला, अगर उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कुछ होता है तब आप उसमें बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे हैं, बाद में हम क्या है कि उसमें स्ट्रेटेजी भी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम प्राइज एक्शन भी इसमें ऐड करने वाले। तो आपको कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ सीखना है तो आप हमारे इस चैनल को साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद।